जय श्री महाकाल दोस्तों, ज्योतिष जगत के इस अंक में आपका स्वागत है। इस अंक में हम जानेंगे कि 13 मुखी रुद्राक्ष की क्या विशेषताएं हैं और किन लोगों को इसे धारण करना चाहिए। 13 मुखी रुद्राक्ष को महालक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है। जो 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करता है उसके धन संबंधित कार्य कभी भी अटकते नहीं है और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा उस जातक पर बनी रहती है। इसके साथ ही 13 मुखी रुद्राक्ष को साक्षात इंद्र का भी प्रतीक माना जाता है। जिसके पास यह रुद्राक्ष होता है वो देवराज इंद्र के समान यश और भोग विलास के साधन प्राप्त करता है। दोस्तों, कामदेव की कृपा होने के कारण 13 मुखी रुद्राक्ष वैवाहिक जीवन के लिए सबसे उत्तम उपाय माना जाता है। जिन लोगों के शादीशुदा जीवन में परेशानियां चल रही हैं उन्हें 13 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। जिन लोगों की संतान नहीं हो रही है उन्हें भी 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। तुला राशि के लिए 13 मुखी रुद्राक्ष लाभदायक होता है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और उसे पाना चाहते हैं तो 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 13 मुखी रुद्राक्ष वशीकरण का सकारात्मक तरीका माना जाता है। लेकिन दोस्तों, रुद्राक्ष की एक विशेषता यह होती है कि हर कोई सा रुद्राक्ष हर कोई व्यक्ति धारण नहीं कर सकता है। उसी प्रकार यह 13 मुखी रुद्राक्ष भी हर व्यक्ति धारण नहीं कर सकता है। इसके लिए कुंडली का पूर्ण अध्ययन करना आवश्यक होता है। यदि आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह एक कारक ग्रह है और उसकी स्थिति अच्छी है तभी आप यह 13 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, अन्यथा यह रुद्राक्ष आपका नुकसान भी कर सकता है। इसलिए रुद्राक्ष धारण करने से पूर्व अपनी कुंडली का अध्ययन किसी अच्छे ज्योतिष से अवश्य करवाएं एवं रुद्राक्ष धारण करने के बाद इसके नियमों का पालन अवश्य करें। यदि आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति अच्छी है और आप ओरिजिनल हीरा खरीदने में असमर्थ हैं तो इसके विकल्प के रूप में आप 13 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष से संबंधित अन्य वीडियो भी इस चैनल पर पूर्व में पोस्ट किए जा चुके हैं। इसकी लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जा रही है, आप वो वीडियो भी अवश्य देख सकते हैं। दोस्तों, जो लोग कपड़े का व्यापार करते हैं, लेडीज कॉस्मेटिक का बिजनेस करते हैं या सोने चांदी का व्यापार करते हैं या कला के क्षेत्र से जुड़े हैं जैसे डांस, गायन, वादन, कवि या फिर परफ्यूम का और अगरबत्ती का व्यापार करते हैं या जिन्हें नेम और फेम काफ़ी संघर्ष के बाद भी प्राप्त नहीं हो रहा है या जिनके जीवन में प्रेम की कमी है और काफ़ी अकेलापन उनको महसूस होता है, उन्हें अपनी कुंडली दिखवाकर यह 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। दोस्तों, इसकी धारण विधि इस प्रकार है। 13 मुखी रुद्राक्ष को सोमवार को या शुक्रवार को या किसी भी पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल के शुभ मुहूर्त में धारण किया जा सकता है। इसे लाल, पीले या सफ़ेद धागे में धारण कर सकते हैं। धारण करने से पूर्व इसे 24 घंटे के लिए कच्चे दूध या गंगा जल में चांदी के पात्र में रखें। इसके बाद जिस दिन इसे धारण करना है उस दिन उत्तर दिशा की ओर मुख करके इसका पंचोपचार कर पंचामृत से इसकी पूजा करें। फिर चावल के 108 दाने लेकर एक एक दाना इस रुद्राक्ष पर चढ़ाएं और हर दाने के साथ ओम ह्रीम नमः का जाप करें। इसके बाद महामृत्युंजय मंत्र का जाप 108 बार करके इस रुद्राक्ष से अपने कार्य हेतु प्रार्थना करके इसे धारण करें। दोस्तों, यह रुद्राक्ष ज्योतिष दृष्टि से साक्षात शुक्र ग्रह का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे पहनने के बाद आपको संयम भी रखना होगा वरना इसकी शक्ति भी समाप्त हो सकती है। दोस्तों, 7 मुखी रुद्राक्ष के बाद से सभी प्रकार के रुद्राक्ष कुछ महंगे होते जाते हैं, इसी कारण 13 मुखी रुद्राक्ष भी कुछ महंगा आता है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। कुंडली के पूर्ण विवेचन के बाद यह आपको घर पहुंच रुद्राक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, यह थी 13 मुखी रुद्राक्ष की जानकारी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। अगले अंक तक के लिए जय श्री महाकाल।